दोस्तों, BTS मेंबर्स के बीच में काफ़ी सारी फ्रेंडशिप है। काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनके पेयर को देखना आर्मी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिनमें से कुछ फेमस फ्रेंडशिप का नाम है वी मिन फ्रेंडशिप यानी BTS वी और जिमिन की फ्रेंडशिप, या फिर टेकुक फ्रेंडशिप यानी BTS वी और जंगकुक की फ्रेंडशिप। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक ऐसी भी फ्रेंडशिप है जो इतनी ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों उन दोनों मेंबर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोज बॉन्ड है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर चेक करें। वहाँ आपके लिए BTS से जुड़े प्रोडक्ट्स के बहुत सारे लिंक्स हैं, तो उन्हें देखें और उनसे परचेज भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, वैसे तो आपने BTS जिन और जंगकुक को उतना ज़्यादा क्लोज कैमरे पर नहीं देखा होगा, लेकिन दोस्तों दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है और उनकी फ्रेंडशिप को जिनकुक से नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जिन ने एक बार एक शो में बताया था कि वो किस तरह जंगकुक से पहली बार मिले थे, और दोस्तों इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि उन्हें आज तक अपनी पहली मुलाकात याद है और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास साबित हुई थी। तो दोस्तों, जिन ने बताया था कि जंगकुक की जब उन्होंने पहली झलक देखी थी तो उन्होंने सबसे पहले जंगकुक की आइज को नोटिस करा था। उन्होंने बताया था कि जंगकुक की आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। दोस्तों, जिन ने बताया कि ग्रुप में आने के कुछ दिन बाद जब जंगकुक ग्रुप में ज्वाइन हुए थे तब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। दोस्तों, जिन ने बताया कि उस समय जिन कॉलेज के स्टूडेंट थे और जंगकुक स्कूल के स्टूडेंट थे। हालांकि जब जिन अचानक से ट्रेनिंग रूम में आए तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को वहां पर बैठे हुए देखा। दोस्तों, ये बात तब की थी जब जंगकुक ने शुरू शुरू में ट्रेनिंग लाइफ को शुरू किया था और वो अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ के अचानक से सोल में शिफ्ट हुए थे। दोस्तों, जिन ने बताया कि वो सभी मेंबर्स के रूम में गए और उन्होंने एकदम से सबसे पूछा कि मैंने बाहर एक हिरन की आंखों वाले लड़के को देखा था, वो कौन है? तो दोस्तों, जिन ने बताया कि जंगकुक भी सबके साथ वहां बैठे हुए थे और अचानक से उन्होंने उठकर बहुत ही पोलाइटली अपना नाम बताया। दोस्तों, जिन ने बताया कि इस तरह उनकी और जंगकुक की पहली मुलाकात हुई थी। दोस्तों, जंगकुक ने भी बताया था कि इतनी छोटी उम्र में अचानक से उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी थी और जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। दोस्तों, यहाँ तक कि जंगकुक इतने ज़्यादा शाय और भोले थे कि वो डोरमेट्री में तब तक शावर नहीं लेते थे जब तक सभी मेंबर्स चले नहीं जाते थे। दोस्तों, जंगकुक ने ये भी बताया था कि अपनी लाइफ उनके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि एक बार उन्होंने अपने छोटे से शहर बुसान में वापस जाने की भी सोची थी, लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में एक मेंबर ने उनका साथ दिया और दोस्तों वो मेंबर थे BTS जिन। दोस्तों, जिन ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि जब जंगकुक को अकेला फील हुआ था तो जिन ने उन्हें अपने घर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने को बुलाया था। दोस्तों, इसके साथ साथ जंगकुक ने काफ़ी बार ये बताया है कि जिन ऐसे मेंबर थे जिन्होंने जंगकुक का साथ दिया और उन्होंने जंगकुक को सोल में सेटल होने में मदद करी थी। दोस्तों, यहाँ तक कि जिन ने जंगकुक को सोल भी घुमाया था। हालांकि जिन ने बाद में ये बात बताई थी कि उस वक्त तक वो भी सोल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, वो चाहते थे कि जंगकुक जल्दी से ही अपनी न्यू लाइफ में सेटल हो जाए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दें, और इसीलिए उन्होंने जंगकुक का साथ दिया। दोस्तों, यहां तक कि काफ़ी बार दोनों मेंबर्स ने बताया है कि जंगकुक को जिन स्कूल छोड़ने भी जाते थे और उनको स्कूल से वही लाते थे। दोस्तों, देखा जाए तो दोनों ही मेंबर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा बॉन्ड है और जिन जंगकुक को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, और दोस्तों जिन ने जंगकुक को अपनी आँखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। अब जंगकुक उनके छोटे से क्यूट बेबी नहीं रहे हैं बल्कि एक मस्कुलर मैन बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जिन ने काफ़ी बार ये बताया है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जंगकुक को बड़ा किया है, और दोस्तों ऐसे में उन्हें बहुत गर्व होता है कि उनकी परवरिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ सभी BTS मेंबर ने जंगकुक को हमेशा अपने बेबी की तरह ट्रीट करा है, क्योंकि दोस्तों जंगकुक बहुत ही छोटी उम्र में स्टेप लाइफ में आ गए थे
और ऐसे में सभी मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जंगकुक अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। दोस्तों जिन ऐसे मेंबर थे जिनके साथ जंगकुक शुरू से ही अपनी खुशी और दुख भी शेयर करते थे और इसीलिए उनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई है। दोस्तों BTS के सभी मेंबर शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं, उन्होंने अपनी खुशी और दुख एक दूसरे से शेयर करे हैं और इसीलिए वो एक दूसरे की फैमिली हैं और इसी वजह से उन सबके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है और वो एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा कदर करते हैं और उन सब की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आर्मी, अगर आपको भी जिन और जंगकुक की फ्रेंडशिप अच्छी लगती है तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।